चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बच्चों बॉयज गर्ल्स, आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM। मैं हूं नीरज, ये हैं विवेक। देखिए, सेलिब्रेशन का दौर चल रहा है और आज सभी को मालूम है कि रेडियो 11 को पूरे 5 साल हो गए हैं। एब्सोल्युटली, हम आपको सरप्राइज देते हैं आपको। इन 5 साल के उपलक्ष्य में आज हमारे बीच में विवेक और नीरज के बीच में और रेडियो लैब के घर पर आए हुए हैं सलीम मर्चेंट। बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। नहीं नहीं, मैं तो बहुत वक्त से प्लान कर रहा हूँ यार दोहा आने के लिए, और बहुत वक्त से ऑलिव और सुनो आने के लिए प्लान कर रहा था। इतना आपने वेलकम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट हाउ डज इट फील, आप कतर में कुछ सालों के बाद वापस आए हैं, हाउ डज इट फील टू बी हियर? पहली बात तो ये शहर बिल्कुल बदल गया है। हाँ। मतलब जाहिर है ये फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, तो यू नो इट्स अ बिग वर्ल्ड सेलिब्रेशन, बहुत बड़ी टूर्नामेंट यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं कतर, तो इट्स जाहिर है कि इतना कमाल का सेटअप तो करना ही था, लेकिन इस तरह से पूरी तब्दीली हो जाएगी शहर की, ये मैंने सोचा नहीं था। तो कल की याद सबको याद है, तो कल की रात आपको शुरुआत तो आप ही के साथ हुई है, शुरुआत आपने की है। यू नो, ये मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी था। हाँ। क्योंकि यहाँ पे साउथ एशियन कम्युनिटी इतनी बहुत बड़ी है और बहुत काफी लोग हैं यहाँ पर, और इतने लोग यू नो जो हमारा संगीत से हमारे संगीत से जुड़े हुए और म्यूजिक पसंद करते हैं, इनको कुछ यू नो एंटरटेनमेंट के लिए इनको ये घर की फीलिंग ले आना बहुत जरूरी था, और बहुत समय भी हो गया था, तो आपके साथ शुरुआत करके तो बहुत मजा आया। बहुत आई फेल्ट रियली गुड, बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से पहले गाने से ही जो हमने कुर्बान हुआ जब गाया तो लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से बहुत खुशी। और सिंगर ज्यादा बात करो तो हमको भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता बीच बीच में गाने। कुर्बान हुआ, हाँ ये कुर्बान हुआ, हाँ अदा पे वफा पे जफा पे कुर्बान हुआ, हाँ ये कुर्बान हुआ, हाँ हाँ। अब अच्छे से गाने से याद आया, जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग हमारे स्टूडियो में, उनको किसी को नहीं पता होगा ये जो सबने सुना वो गाना चक दे इंडिया। ये गाने की कहानी बहुत अलग है कि बना कैसे है, और ये हमारी सलीम से जब आपने दोनों की बात हो रही तो आपने बताया था मुझे, मैं चाहता हूँ कि जितने लोग खड़े हुए, इतने लोग पूरा कतर आपको सुन रहे हैं, चक दे इंडिया गाना बना कैसे? ये एक्चुअली जब हमने फिल्म इसकी स्टोरी पढ़ी थी, इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो वाकई में मेरे आँख में आंसू आ गए थे। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी थी। अब बात आ गई थी, 5-6 गाने हमने बना लिए थे, 2-3 महीने गुजर गए थे, और ये फिल्म बड़ी इम्पॉर्टेंट फिल्म थी, बहुत ही हम सब के लिए। मैंने सुलेमान से कहा कि ये फिल्म हम छोड़ देते यार, कुछ काम अच्छा करना वो बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर ऐसी फिल्म जो बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है और जो अच्छी फिल्म है, उस पर ऐसा गाना बनाना कि लोग याद रखें, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा छोड़ दें, सुलेमान ने मुझे पुश किया, ही सेड कि नहीं करना चाहिए यार ये गाना, ये फिल्म जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, एज एन इंडियन वी मस्ट अटेम्प्ट टू डू समथिंग। तो मैंने प्रोड्यूसर से पूछा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप बताइए खुल के। तो ही सेड कि यू नो सेलिब्रेशन की फील आनी चाहिए, तो जैसे कि इंडिया चाहे क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, हॉकी खेले, चेस खेले, कुछ भी खेले, अगर जीते ना जीते, लेकिन वो स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेशन, हम जब जीतते हैं या जीतने वाले हैं, तो एक ऐसा गाना हो जो कुछ एक फीलिंग ले आए, इमोशन ले आए हर इंडियन के दिल में, दिमाग में, कि वो यू नो सेलिब्रेशन बन जाए। तो मैंने कहा जैसे कि आप बताओ क्या, तो उन्होंने कहा कि जुम्मा चुम्मा में क्या कैसा है, हर कोई ऐसा जुम्मा चुम्मा दे दे जुम्मा चुम्मा, बड़ा बुलंद गाना है। बोला ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि चक दे में अगर वो बात हो जाए ना, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, जुम्मा चुम्मा की ट्यून okay. उन्होंने ऐसा गाया ऐसी रफली। तो इससे मुझे एक दो बात मिल गई, एक तो ये कि अगर हम चक दे गाना बनाएंगे तो इट शुड बी चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, उन्होंने ऐसा गाया था जुम्मा जुम्मा के, तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने कहा ऐसे ही करते चक दे इंडिया। फिर भी गाना बंदूक बनाने बैठे थे तो रुकावटें आ रही थी, मैंने सोचा कि जयदीप साहनी जो इस फिल्म के लेखक है, राइटर है, उनको बुलाया मैंने, उन्होंने वो गाने भी लिखे हैं पहले, तो उन्होंने लिखा कुछ करिए नस नस मेरी खोले, तो मैंने बोला ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको डबल कर दो, कुछ करिए
कुछ करिए, बिकॉज चक दे आगे आने वाला था, बोला कुछ करिए कुछ करिए, नस नस मेरी खोले कुछ करिए। तो ऐसे करते करते कुछ करिए कुछ करिए, नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए, ये एक लाइन अच्छी लगी। फिर आगे उसने लिखा कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए, कोई तो चल जिद फड़िए डूबे तरिए या मरिए, कोई तो चल जिद फड़िए डूबे तरिए या मरिए, चक दे ओ चक दे इंडिया, कम ऑन इंडिया, चक दे इंडिया, लेट्स गो इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया। जो चीज 3 महीने में इम्पॉसिबल लग रही थी वो एक शाम की बात में एक शाम में बन गई। तो हर गाने में ऑनेस्टली हर गाने की एक किस्मत होती है। तो आपका बर्थ चाइल्ड भूमि के बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज को आप मतलब आपने सजेस्ट किया, ये भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज भूमि मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मूवमेंट है। मैं मूवमेंट इसलिए कहूँगा बिकॉज ये एक जरिया है जिससे जहाँ पे म्यूजिशियंस सिंगर्स हर प्रांत से जुड़े। भूमि में कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, कुछ डिवोशनल चीज़ें हैं, कुछ नई बातें हैं, कुछ अपने फोक की कल्चर की से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो हिंदुस्तान में इतने अलग अलग प्रांत हैं, इतनी अलग अलग भाषा है, इतनी अलग अलग कल्चर्स हैं, तो हमने सोचा कि भूमि एक ऐसा माध्यम है जो हर प्रांत को जोड़ता है म्यूजिकली, चाहे आप कश्मीर से हो या कन्याकुमारी से हो या राजस्थान से हो या आसाम से हो। इस भूमि में फिलहाल दिस भूमि 22 में हमने बहुत प्रांत कवर किए हैं, उत्तराखंड भी किया है, कश्मीर भी किया है, राजस्थान। इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में, 21 साल पहले, जब कोई कुक स्टूडियो नहीं था, जब कोई ऐसी मूवमेंट नहीं थी। 1999 में हमने फर्स्ट भूमि किया था। और जब इस ये एल्बम हमने किया था तो बहुत लोगों ने हमें कहा कि ये अपने वक्त से बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन हमने हिम्मत करके इस एल्बम को रिलीज़ किया। बहुत लोगों ने इसको प्यार दिया तभी, और दैट्स वाई हम 2000 से फिल्मों में जुट गए। बहुत फिल्में की, बहुत गाने किए, बहुत बैकग्राउंड्स कोर्स किए, इंडस्ट्री ने बहुत प्यार भी दिया। 2018 में सुलेमान और मेरी बात हुई कि इस चीज़ को अभी 20 साल हो चुके हैं, क्योंकि 1999 में पहली बार आया था। तो हमने डिसाइड किया कि इसको वापस रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि वो एक जो फीलिंग होती है कि हम यू नो इतने साल इंडस्ट्री ने हमें बहुत कुछ दिया, अब ये वक्त आ गया कि हम अपने लिसनर्स को कुछ वापस कुछ दें, जो हम सबको एक माध्यम से, एक म्यूज़िक से सबको जोड़े। तो इसी सोच से 2019 में हमने इसकी शुरुआत की थी। 2020 में वी डिड भूमि 2020, लास्ट ईयर भूमि 21 किया, और इस साल भूमि 22 शुरू हुआ है। एंड ऑफ कोर्स भूमि आपके लिए बहुत ही स्पेशल तो है ही, बट आल्सो आई हैव नोटिस मर्चेंट रिकॉर्ड्स जो आपने स्टार्ट किया, बिकॉज आई पर्सनली डू अ सेगमेंट कॉल ऑफ माय प्लेलिस्ट, यहां पे मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को लेकर आता हूं। सो आई हैव इंटरव्यूड क्वाइट अ फ्यू आर्टिस्ट, फ्रॉम आदित्य सरन की बात हुई थी, ओह लवली, सो आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ देम। सो ये कैसे आपने स्टार्ट किया, बिकॉज यू आर गिविंग चांस टू ऑल द न्यू कमर्स, एंड बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती रहती है कि आपने कितने लोगों को चांस दिया है। मैं कोई नहीं होता हूँ चांस देने वाला, चांस देने वाला तो हर ऊपर वाला ही होता है हर आर्टिस्ट को, लेकिन मैं एक तरीके का जरिया हूँ। बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको वो मौका नहीं मिलता, बहुत टैलेंट होता है, बहुत सारे। मर्चेंट रिकॉर्ड्स की स्थापना हमने इस तरह से की कि हमने खुद सोचा कि यू नो हम सुलेमान और मैं बहुत सारे नॉन फिल्म गाने करते थे, और उसको एक स्ट्रक्चरली जो हर रेडियो स्टेशन तक लिसनर तक पहुँचे वो एक स्ट्रक्चर करना था। तो हमने सोचा कि एक लेबल हम शुरू करेंगे। जाहिर है 2020 में सबके पास बहुत वक्त था, बिकॉज लॉकडाउन हो गया था, तो हमने बहुत सारे गाने बना लिए थे लॉकडाउन में। तो बहुत सारे गाने हम वैसे रिलीज़ करते थे मर्चेंट रिकॉर्ड से, और हमने सोचा कि एक स्ट्रक्चर कर ले तो हमारे साथ कुछ और आर्टिस्ट जो काबिल है, जिनको यू नो रिलीज़ करने का ये मौका नहीं मिलता अपने जो इंडिविजुअल गाने हैं, तो एक कम्युनिटी हमने सोचा कि कम्युनिटी बिल्ड करें, जहाँ पे लिरिसिस्ट, राइटर्स, डायरेक्टर्स, कंपोजर्स, सिंगर्स, जो लोग की सोच सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक पर है। तो आज रेडियो वाले को पूरे 5 साल हो गए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मुझे तो पहली बात तो आज भी मैं मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि जिस तरह से आपने मुझे वेलकम दिया, वो
मतलब तहे दिल से शुक्रिया ऑनेस्टली. और इतना ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक एक बहुत ही 5 साल के लगता है 50 साल पुराना परिवार है जो मतलब यानी कि सब बूढ़े हो चुके हो मेरे मेरे हेयरस्टाइल से दिख रहा होगा. मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि प्यार मोहब्बत इतनी है आप सभी में और इतना जोश है और इतनी इतना जज्बा है आप लोगों को आपके काम से आपके म्यूजिक से संगीत से. ये जो आप लोग कर रहे हो ना मुझे लगता है म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है वो दुनिया में बहुत खुशियाँ फैलाता है. Absolutely. और आप इसके मतलब माध्यम हो. चलो भैया खुद की तालियां बजाइए बहुत जरूरी होता है. आई फील कि आपकी 10वीं एनिवर्सरी भी वापस आओ. क्या बात है तो एक अपन रेंट पे फ्लैट ले लेते हैं. आई थिंक वेल आई वांट टू से दैट पहली बात तो यू गाइस आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट यू नो कतर इज होस्टिंग सच अ मैसिव इवेंट. ये जो फीफा वर्ल्ड कप है ना, आई मीन बहुत सारे हमारी देसी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग शायद फुटबॉल से जुड़े हुए नहीं हैं, पर मेरा मानना है कि शायद इस इवेंट के बाद बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे. और मैं बहुत खुश हूँ दैट यू नो ये हमारे देश के नज़दीक है बहुत. हमेशा ज़्यादातर फुटबॉल फीफा जो टूर्नामेंट्स होती है वो शायद यूरोप में होती है या अमेरिका में होती है या अलग देशों में होती है, पर ये कतर जो है वो बहुत हमारे इंडिया के बहुत नज़दीक है और इसमें बहुत बड़ा अपनापन है. हम मुझे बहुत खुशी है दैट यू नो बिकॉज फीफा हैज़ बीन होस्टेड ईयर इन कतर बहुत सारी कम्युनिटीज एक साथ सेलिब्रेट करेंगी. और ये ही है यार 4 दिन की जिंदगानी है. प्यार बांटो, मिल बांट के म्यूजिक मस्त जश्न मनाओ. थैंक यू सो मच सलीम जी फॉर बीइंग ऑन रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास. थैंक यू.